subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. बिला तकल्लुफ में आज हम बातचीत करेंगे कश्मीर के पंडितों की उन कहानियों के हवाले से जो दुख से भरी हुई हैं। जनवरी का ठिठरता महीना जब भी हर साल आता है तो वो कहानियां हमारे खून को और सरमा देती हैं, सर्द कर देती हैं, जमा देती हैं। बहुत ही दुख भरी दास्तानें हैं। 31 बरस हो गए और इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं। आज हम एक ऐसी ही किताब का जिक्र यहाँ पर करेंगे और उनकी मुसन्फा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया किताब, द डिवाइन एंड द डेस्टिनी, रिटन बाय मीनाक्षी रायना, जो हमारे टोरंटो में रहती हैं। पंडित बरादरी से उनका ताल्लुक है और उसी धरती से उनका ख़ानदान भी, उनके अबाउजदाद भी निकाल दिए गए, जो धरती हज़ारों सालों से उनकी धरती थी। मैं बातचीत शुरू करता हूं, उनको अपने साथ स्टूडियो में वेलकम करता हूं, मीनाक्षी रायना जी को। वेलकम मीनाक्षी जी। मैंने थोड़ी सी तमहीद बांधी, थोड़ा सा परिचय दिया, बहुत ही दुख भरी दास्तान है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के दिन की क्या हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है 19 जनवरी 1990 के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो? सबसे पहले ताहिर साहब, मैं टैग टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। आपने इनवाइट किया, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इस बात को छेड़ने का। जनवरी 19th जो है ये एक ब्लैक डे है इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इस दिन हमारा सातवां एग्जोडस, सातवां पलायन हुआ था कश्मीर से। और जो कश्मीरी हैं, वी आर द एबोरिजिनल्स ऑफ कश्मीर एंड वी आर फोर्स्ड टू लीव आवर होमलैंड ऑन दिस कोल्ड नाइट ऑफ जनवरी 19th 1990। प्रायर टू जनवरी 19th 1990, इससे पहले भी काफ़ी सारी सिलेक्टिव किलिंग्स हुई थी, लोगों को चुन चुन के मारा गया था। और कश्मीरी फैमिलीज जो हैं वो अराउंड दिसंबर ऑफ 1989 से ही मूव होना स्टार्ट किया था, जिनको थोड़ा थोड़ा इस पे डाउट हुआ था कि वादी में हालात ठीक नहीं है, वो पहले से ही थोड़ा मूव होना स्टार्ट हुए थे। क्योंकि जो थिंग्स वेयर गेटिंग वर्स फ्रॉम, आई वुड से दे वेयर गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इन कश्मीर अ लॉन्ग टाइम बैक। Anti India slogans were raised, green flags were hoisted, there was exploitation of youth of Kashmir by the fundamentalist leaders, and there was a support from the radical Muslim population, and it was all sponsored by the नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, जो हमसे अब ये बात हमसे किसी से छुपी हुई नहीं है कि इट वॉज अ पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन कश्मीर। तो सिग्निफिकेंस जो है इस जनवरी 19th का यही है कि इस दिन हमारा 7th एग्जोडस जो है वो स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद से लेके आज तक 31 साल हुए हैं, हम वापस गए नहीं हैं, हमारी रिहेबिलिटेशन नहीं हुई है। वापस गवर्नमेंट इतनी आई, सरकारें इतनी बदली, लेकिन हमारा जो वो पेन है, वो सफरिंग है, वो तब से चलता आ रहा है। आपने कहा जो पेन है, जो सफरिंग है, वो तब से चलता आ रहा है। मैंने आपका नावल भी पढ़ा, द डिवाइन एंड द डेस्टिनी। उसको पढ़ते हुए एहसास होता है कि वो एक रिपोर्टाज है, एक डायरी है, एक लिटरेचर की फॉर्म में लिखी हुई, जो कोई भी रीडर उसको पढ़े तो उसको अंदाज़ा होता है कुछ कि कैसे सफरिंग हुई। और ये सफरिंग जो है, ये आपके नावल को पढ़ लेने के बाद या महसूस कर लेने के बाद कोई काफ़ी नहीं है। असल तो मैं बिपता सोचता हूँ उन लोगों की जो उससे गुज़रे। आपने भी अपने नावल में बहुत डेप्थ के साथ इसको बयान किया, लेकिन क्या आप आज के दिन हमें बताएंगे कि क्या जो कुछ सफरिंग आपने बताई, क्या उससे भी कोई बहुत
तहदार सफरी थी, बहुत ही पचीदा थी और अभी तक उनके घाव हैं। जी हाँ, घाव तो अब तक भरे नहीं है। जैसे ये 31 ईयर्स पुरानी कहानी है, ये अभी भी मैं आपको ऐसे दोहरा रही हूँ जैसे कल की बात हुई हो। आप किसी भी कश्मीरी पंडित से बात करेंगे तो ये जो कहानी है ये कभी भूल ही नहीं जा सकती है। ये एक ऐसी कहानी है। तो क्या हुआ उस टाइम पे, सिलेक्टिव किलिंग्स जो हुई थी, उन विक्टिम्स की जो फैमिलीज हैं उन तो उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। डेथ्स वेयर सेलिब्रेटेड ऑन द स्ट्रीट्स। जब किसी को मारते थे, उनके साथ टॉर्चर होता था, तो उसको सेलिब्रेट करते थे। ये भी सुनने को आया है कि गन्स ले लेके वो लोग डांस करते थे अराउंड दैट डेड बॉडी। विमेन वेयर रेप्ड किल्ड, मैन वेयर स्ट्रैंगुलेटेड टू डेथ। इतनी एट्रोसिटीज हुई हैं, हिंदुओं के घर जो है वो जलाए गए और लूट मार मची वहाँ पे। जो लोग अपना सब कुछ छोड़ के आए थे वो लोग बाद में कहीं टेंटों में रहने लगे, कहीं जो एफोर्ड कर सकते थे वो रेंटेड मकानों में रहने लगे। तो ये वो टेंट में रहने का जो वो एक दर्द है वो भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि जम्मू का जो आप देखेंगे क्लाइमेटिकली इट्स अ वेरी हॉट प्लेस कंपेयर टू कश्मीर। तो उस हॉट प्लेस में वो इक्विप्ड नहीं थे उस गर्मी का मुकाबला करने के लिए। तो कई लोग जो हैं वो बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट्स, सन स्ट्रोक्स, इस वजह से उनकी डेथ हुई। और जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको तो हम मेजर ही नहीं कर पा सकते ना, कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कितना हुआ है। फिजिकल तो आप देख सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा जो है उसको हम मेजर ही नहीं कर पाए हैं आज तक। लोगों की जहनीयत, लोगों का जहन कितना बिखर चुका है उस दिन से लेके आज तक, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो आपने कहा कि ये जो कहानियाँ हैं, ये जो सिचुएशन है वो नाकाबिले बयान है, लेकिन आपने अपने नावल में उनको इलस्ट्रेट किया है, उनको पोर्ट्रेट किया है, बताया है उस दुख की सारी कहानी को। तो क्या मैं मज़ीद जानना चाहूँगा आपसे कि क्या वो ना बयान, वो नाकाबिले बयान जो सूरत हाल थी उसको बयान करना आपके इस नावल लिखने की इंस्पिरेशन थी, या कुछ और भी एलिमेंट्स थे, कुछ और भी फीलिंग्स थी, कुछ और भी पेन्स थे जिसने आपको ये नावल लिखने पर उकसाया? सी आई वुड से कि जो सीड्स ऑफ दिस स्टोरी जो है दैट वर लेड बाय माई ग्रैंड मदर। तो मेरी दादी जो है उन्होंने नाइट ऑफ 1990 जनवरी 19 वो वहीं पे थी। तो उनका जो बयान था कि कैसे उन्होंने वो रात बिताई है अपने घर में, और फिर वो नेक्स्ट डे वो वहाँ से निकल आई जम्मू के लिए रवाना हुई। तो वो उनका एक बयान जो था वो मेरे एक जहन में रह गया। तो वहीं से ये स्टोरी का जो है आप कह सकते हैं एक जन्म हुआ। और उसके बाद मेरे जहन में ये बात भी आई कि जो हमारी अगली जनरेशन आने वाली है उन्हें इस स्टोरी के बारे में कैसे पता चलेगा। देर हैज़ टू बी सम फॉर्मेट। तो नॉर्मली पीपल डोंट हैव टू मच इंटरेस्ट इन हिस्ट्री टू गो डिग डीप इन टू द हिस्टोरिकल बुक्स एंड रीड। सो आई वॉन्टेड टू क्रिएट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी दैट कैन कन्वे द ट्रूथ एंड एट द सेम टाइम कन्वे द स्टोरी दैट वी हैव गॉटन थ्रू। द जो हमारे साथ जो एक एग्जोडस की वो कहानी है उसको कैसे बयां किया जाए यंगर जनरेशन के लिए, और उन्हें कैसे पता चले कि हमारे रूट्स कहाँ के हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमने क्या, हम पे क्या बीती है, या उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की सफरिंग्स क्या है। इसका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। तो ये इसी बात को लेके मैंने जो है ये बुक लिखने का सोचा। और इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स टू राइट दिस बुक। और व्हाइल आई वाज राइटिंग दिस बुक तो आई हैड टू गो थ्रू ऑल ट्रॉमा अगेन। आई हैड टू डू द रिसर्च, रीड एवरीथिंग अबाउट व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। आई वाज नॉट राइटिंग अ हिस्ट्री बट माय मेन फोकस वाज टू कैप्चर द इमोशनल एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, टू कैप्चर द पेन, टू कैप्चर द एग्नी सफरिंग्स, उसको कैप्चर करना मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बन गई। क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री में जाएगी कि कब क्या हुआ, देर विल बी डेट्स, बट पेन एग्नी वोंट बी यू नो कैप्चर्ड इन द हिस्ट्री बुक्स। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई फेल्ट दैट आई शुड राइट दिस बुक।
And I'm very fortunate that I took a step and, you know, penned down whatever time it took, but I think it paid at the end, yeah. अब जैसे कि मोदी सरकार ने फाइनली 2019 को आर्टिकल 370 और 35 ए को एब्रोगेट कर लिया, पंडितों की कुछ उम्मीदें बंधी हैं और अब हमें टेररिज्म का स्पिल ओवर भी कम नज़र आता है, तो आप क्या समझती हैं कि क्या इससे कुछ बेहतरी होगी या आपकी क्या तौक़ात हैं भारतीय सरकार से और इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जो इतना बड़ा जीनोसाइड हुआ, इतना बड़ा एग्जोडस हुआ, उसके बारे में खामोशी और फिर उसके बाद उसकी जो कंपनसेशन है इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिलती, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? See, genocide of KPs is still not recognized by UN. Almost half a million of Hindu population, it was forced to leave the valley. And it's a big human tragedy that happened, and world didn't pay attention at the time. But यही है कि अगर इसको एक genocide का वो मिलना चाहिए title, because ये एक human tragedy है. और हम इसके बारे में कब तक चुप बैठे रहेंगे? अब रही बात मोदी सरकार की, इट्स अ बिग स्टेप दैट दे हैव टेकन, द मोदी गवर्नमेंट, दैट दे गॉट दिस आर्टिकल 370 का रिमूवल हो गया, एब्रोगेशन हो गया. इट्स अ वेलकमिंग न्यूज़. इससे क्या होगा कि कश्मीर में जो है डेवलपमेंट हो जाएगी, मोर फंड्स विल बी एलोकेटेड फॉर यू नो मेकिंग फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जॉब्स विल बी क्रिएटेड, मोर पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया विल मूव टूवर्ड्स कश्मीर. तो जो वहाँ पे जो ये मुस्लिम डोमिनेंस रही है, कहीं ना कहीं वो एक मेन वजह रही है कश्मीर में इस सारे हालात के बिगड़ने के पीछे. ये मुस्लिम डोमिनेंस जो है ये थोड़ी कम होनी चाहिए, एंड हिंदूज शुड ऑल्सो हैव द इक्वल प्रिवलेज. Hindus of India, by Hindus I mean Hindus of India should have the privilege to go and settle in Kashmir. Unless and until Hindus are also in dominance, this problem is not going to be solved. And there should be a rehabilitation of KPs who left the Kashmir 31 years ago, and people who left their orchards, farms, and they could not make a fresh start outside Kashmir. They really want to go back and go back to their homeland, and they want to start again. एंड उनका जो भी वहाँ बचा हुआ है लैंड वगैरह, वो वह वापस से वो अपना वो रिवाइव करना चाहते हैं. सो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम सेफ्टी, एंड दे शुड प्रोवाइड, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर देयर रिहैबिलिटेशन. एंड आई स्टिल फील दैट जस्टिस हैज़ नॉट बीन सर्व टिल नाउ, एंड इवन द किलर्स ऑफ द इनोसेंट्स आर स्टिल रोमिंग फ्री. एंड जैसा पहले भी मैंने कहा, जो भी विक्टम्स हैं उन्हें प्रॉपर जो है जस्टिस आज तक नहीं मिला है. किसी भी कोर्ट ने किसी भी किलर को कन्विक्ट नहीं किया है आज तक. जो भी हुई हैं किलिंग्स आज से 30 साल पहले, वो किलर्स घूम रहे हैं आज भी. Nothing has been done by the Indian government regarding that. Or one thing I would say कि हमारी hopes जो हैं वो इसी present government से हैं, क्योंकि आज तक जितने भी governments आई हैं, हिंदू population को, कश्मीरी पंडित्स को एक वोट बैंक हम है नहीं. हमारी आबादी इतनी है नहीं कि हम किसी सरकार को बनाया गिरा सकते हैं. तो इसलिए यही government जो है आज की, मोदी जी की, इसी से हमारी बहुत उम्मीदें हैं कि वही इसका जो है कुछ ना कुछ हल निकाल पाएंगे, और जो भी कश्मीरी वापस जाना चाहते हैं वो वापस वहाँ पे जाए और अपने अपना जो है फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं. आपने कहा कि अभी तक यूएनओ ने इसको जीनोसाइड तस्लीम नहीं किया, और ऑफ कोर्स मैं ये समझता हूँ कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे अपने भारतीय डायस्पोरा और सरकारों की रही है कि हमने कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी पर दबाव ही नहीं डाला कि इस हकीकत को इस तरह तस्लीम करें. अब आपके और मेरे सामने है कि ज्यूश हॉलोकॉस्ट जो है उसके लिए ज्यूश कम्युनिटी के कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड वाइड हैं, और एंटी सेमिटिज़म के ख़िलाफ़ किस तरह
उनके काम होते हैं। हमारे यहाँ तो अभी तक बदकिस्मती से जो एक डेरोगेटरी हेटफुल इस्तलाह है जिसको मैं काफिर कहता हूँ, मैं कहता हूँ उसको डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, वो उस पर हम काम नहीं कर सके। खैर, इस बात को ज़रा अलग करते हुए मैं आपके नावल की तरफ ख़ास तौर पर फिर आ रहा हूँ। वही बात कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तक कैसे इस ट्रेजिडी की बात नहीं पहुँच रही। आपका नावल भारत में छपता है, इतना बढ़िया नावल है, मेरी ये ख्वाहिश हुई इसको पढ़ने के बाद कि क्यों नहीं ये कहीं कैनेडियन पब्लिशर या अमेरिकन पब्लिशर के पास पब्लिश हुआ और उन तक ये बात पहुंचे। इसी तरह आपको भारत में क्या कोई आर्ट में कमी नज़र आती है जो कश्मीर की इतनी बड़ी ट्रेजिडी को आज तक आर्ट वहाँ पे पेश नहीं कर सकता? मुझे नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी नहीं मिलती, मुझे यूट्यूब पे ढंग की मूवी नहीं मिलती। बॉलीवुड का जो अपना एक कल्चर है वो उसमें गाना बजाना और कपड़ों की परेड, उससे तो हमें कोई कहानी नहीं मिलती। और अल्टीमेटली फिर वो जितनी भी मैंने फिल्में बॉलीवुड की दो चार देखी हैं वो वही पॉलिटिकल करेक्टनेस में ख़त्म हो जाती हैं। दे डोंट हैव करेज टू कॉल अ स्पेड वाली सूरत हालत। हमारा भारतीय आर्ट क्यों इतना वीक रहा अब तक जो इतनी बड़ी भारत की ट्रेजेडी को दुनिया के सामने नहीं ला सका? पिक्चरें तो कई आई कई बन चुकी हैं इस पे, बट यही है कि दे वर नॉट अ कमर्शियल सक्सेस। कमर्शियल सक्सेस होना एक बहुत बड़ी बात है कि जब तक आपकी कोई मूवी जो है वो पूरे मासेस को अपील ना करे तब तक वो एक कमर्शियल सक्सेस नहीं कहलाती है। तो ऐसी कोई मूवी मुझे तो नहीं लगता है कि एक ऐसी कोई मूवी बनी है। दूसरी बात ये हो सकती है कि इस कहानी में जो भी प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर्स हैं उन्हें लगता नहीं है कि दैट दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। मे बी दिस स्टोरी इज़ नॉट दैट अपीलिंग टू देम कि इससे उनका जो है पैसा बने। सो बॉलीवुड इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट, यू इन्वेस्ट मनी एंड यू वॉन्ट रिटर्न्स। सो दे फाइंड दैट देर आर नो रिटर्न्स इन इट, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। बट ये है कि इफ एट ऑल आई एम सक्सेसफुल वन डे, मे बी फॉर श्योर, कीपिंग माई प्रॉफिट्स और मनी और एनीथिंग अपार्ट, आई मे डेफिनेटली लाइक टू मेक ए मूवी ऑन माई बुक द डिवाइन एंड द डेस्टिनी। ये बुक लिखी ही थी मैंने इसी पर्पज से, इसी परस्पेक्टिव से कि एक ना एक दिन इस पर कोई मूवी बने और जो ये मैसेज है, जो ये कहानी है, पूरे वर्ल्ड में ये पता चले सबको कि कश्मीरी हिंदूज जो हैं उनके साथ कैसा सलूक हुआ, एक अपनी ही हिंदू कंट्री में एक हिंदू कैसे निकाला जाता है, इस कहानी को मैं दिखाना चाहती हूँ बड़े पर्दे पे। जरूर एक और ना एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए। जी, आपने कहा कि बॉलीवुड या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री जो होती है पैसा बनाने के लिए होती है। मेरी तौक्कात बॉलीवुड से सिर्फ इतनी है कि वो फिल्में जो उन्होंने बनाई भी हैं अगर और वो मोस्ट ऑफ देम कमर्शियली सक्सेसफुल भी नहीं हुई और उन्होंने कमर्शियल ढंग से बनाई, मगर वो इतनी बोधी हैं कि मेरी बात समझ से बाहर है। हत्ता कि शीन जो एक रिलेटिवली बेहतर मूवी है अशोक पंडित जी की, वो भी मैंने दो बार देखी और मुझे एहसास हुआ कि इतनी लंबी फिल्म, इतने गाने उसमें रखने के बावजूद अगर उसको भी शॉर्ट किया जाता, प्रिसाइज किया जाता, एक्टिंग को जानदार किया जाता तो वो कमर्शियली सक्सेसफुल भी हो सकती थी। खैर, ये एक अलग डिबेट है। ये काम करने वाले होते हैं मीनाक्षी जी, जैसे आप और मैं समझते हैं, सरकारों के। अब जी इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो तो वेट नहीं करती कि इसराइल की फिल्म इंडस्ट्री कोई ऐसी फिल्में बताएं कि जिससे जूश हॉलोकॉस्ट की जो हॉरर्स हैं वो दुनिया के सामने आए। दुनिया, द वर्ल्ड टुक द टास्क इन हर ओन हैंड्स ऑन इट्स ओन। बॉलीवुड में कितनी फिल्में, सॉरी हॉलीवुड में कितनी फिल्में नहीं बनी जूश हॉलोकॉस्ट पे, बेतहाशा बनी और ढंग की बनी, कान की बनी। उसमें कोई ये ड्रामा नहीं था, कोई सस्पेंस नहीं था, सीधी सीधी फिल्में वो बनी। हमारा अभी तक, मुझे, मैं खुद भारतीय हूँ, मुझे ये शिद्दत से महसूस होता है कि हम अभी तक वही अपने बॉलीवुड के उस सस्पेंस वाले, ड्रामा वाले, चाट मसाले वाले कल्चर से बाहर निकलकर संजीदा होकर इंटरनेशनल वेस्टर्न स्टैंडर्ड के, वेस्टर्न स्टाइल के
ड्रामास की तरफ, या वो आते ही नहीं। मैंने दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत सारे ड्रामा क्लब से बात की जब मैं डिफरेंट विजिट पे भारत में गया। मैंने कहा आपने कभी कश्मीरी पंडितों पर कोई ड्रामा किया हो? तो जैसे सन्नाटा छा गया हो कि ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, जैसे उनको पता ही नहीं है इस बात का। तो ये जो लाइल्मी भारत के अंदर भी है, क्या इससे आपका मन नहीं कुटता? जी ज़रूर, एक जगह ऐसा दिल में तो ये खलल हो जाती है कि हमारे पे ऐसी मूवी क्यों नहीं बन पाती कि पूरे वेस्टर्न कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड में जो इस कहानी को आगे दिखाए, बयां करे। और लेकिन ऐसा, जैसा मैं पहले भी बताया कि अब तक नहीं हुआ है, बट ये हम नहीं कह सकते कि आगे नहीं बन पाएगी। देर इज स्टिल अ होप, मे बी कभी कोई ऐसा कोई प्रोड्यूसर, कोई ऐसा बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर, या हमारी नई जनरेशन में कोई ऐसा निकल आए कि जो इस स्टोरी को समझे और एक ऐसी मूवी बनाए कि पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हो, एक कमर्शियल सक्सेसफुल मूवी बनाए। देर इज स्टिल अ होप। यकीनी तौर पर होप तो है, और ना सिर्फ होप है बल्कि मुझे अपने भारतीय डायस्पोरा के आर्ट वर्ल्ड पर इतना ट्रस्ट है कि उनके पास एबिलिटीज भी हैं, कैपेबिलिटीज भी हैं, सिर्फ इस तरफ ध्यान देने की बात है। आफ्टर ऑल हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बाद दूसरी बड़ी सिविलाइजेशन है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पैरेलल सिविलाइजेशन है, जो कैपेबल है डूइंग एवरीथिंग, लेकिन सिर्फ ध्यान देने की बात है। वो शायद आप और मैं जो बात कर रहे हैं वो ध्यान ही दिलवाना चाह रहे हैं हमारे लोगों का। तो मैं आपकी दूसरी आज कत, जी की किताब की तरफ भी एक आऊंगा, मगर आप जी कुछ जस्ट कहना चाह रही हैं। जी हाँ, मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि विद इन माई लिमिटेड रिसोर्सेज व्हाट आई कुड डू इज जस्ट राइट ए बुक। अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते तो शायद आज आपको ये कहने का मौका नहीं मिलता कि इस पे कोई मूवी नहीं बनी है। जो मेरे रिसोर्सेज थे, आई कुड गिव टाइम, आई कुड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड प्रेजेंट ए बुक, दैट्स ऑल आई कुड डू विद इन माई फ्रेमवर्क। बट येस, इफ आई कैन एनहेंस माई फ्रेमवर्क एंड समथिंग कम्स अप, डेफिनेटली आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि इस पर कोई मूवी नहीं बनी है या इस पर कोई कमर्शियल हिट नहीं है। आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट एंड आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। बहुत बड़ी आपने बात की, आपने रिसोर्सेज की बात की, यही हाल मेरा है, वही दुख जो आप शेयर करती हैं वही मैं भी करता हूं। और आप और मैं जब ये बात करते हैं थोड़े क्रिटिकल होते हैं, तो हमारा मकसद जैसा मैंने अभी पीछे कहा, अपनी भारत की टैलेंटेड आर्ट इंडस्ट्री को ज़रा चौंकाना है, ज़रा उनको बताना है कि काइंडली इस पे तवज्जो दें। रिसोर्सेज के हवाले से यकीन कीजिए, मैंने भी टैग टीवी पे 200 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की जो बिपता है उसको बयान करने के लिए शोज़ किए, और वो पूरी दुनिया तक पहुँचे। और वही जो आपको कलक होता है वही मुझे होता है कि अगर मेरे रिसोर्सेज हो तो मैं नेटफ्लिक्स पे अमेरिकन यूरोपियन प्रेजेंटर्स कश्मीर ले जाके ऐसी ऐसी बढ़िया डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊं, और शायद कोई मूवी भी बनाऊं इंग्लिश में, ताकि दुनिया को पता चले। उम्मीद है कि टच वुड, अगर आप और मैं इसी तरह सोचते रहे और हमारा साथ जी दिया दोस्तों ने, तो हम मिलके कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर पाएंगे। अब मैं बहुत ही पर्सनल सी ये बात पूछने लगा हूँ। आपने अभी पीछे पर्सनल अटैचमेंट और उन दुखों की भी बात की, आपका नॉवल इस बात की गवाही देता है कि किस तरह आपकी ज़ात का दुख उस कश्मीरी जिनोसाइड एक्सोडस के हवाले से रिफ्लेक्ट होता है। मैं आपसे ऑफ द कैमरा बात कर रहा था, तो आपने बताया था कि 19 जनवरी की बतिया है, शायद आप 3 जनवरी को ही निकल चुके थे, हालात तो जी दिसंबर 89 से ही ख़राब नज़र आ रहे हाँ थे। लेकिन ऐसी कहानी जम्मू में जो आए हूँ आपके पास, लुटे हुए मुहाजर, अपने ही देश में बने हुए मुहाजर, और या फिर जो आपकी फैमिली के करीबी लोग जो वहाँ पे हैं उन्होंने कुछ कहानियाँ आपसे शेयर की हुई हो, और इस नावल में भी आपने उसका तस्करा ना किया हो, आज अपने व्यूअर्स को आप कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। हमें भी दिसंबर में ही थ्रेटनिंग लेटर्स मेरे फादर को आई थी कि आप ये कश्मीर छोड़ के जाइए। तो हमारी फैमिली,
जो है हमारे कजिन्स वगैरह जो भी थे, अंकल वगैरह सब ने यही सोचा कि अच्छा रहेगा कि हम लोग चले ही जाएं। इसलिए दिसंबर में जब वो लेटर्स, थ्रेटिंग लेटर्स मिली थी, तो हम लोग इसलिए जनवरी 19 तक वहाँ पर नहीं थे। हम 3 जनवरी को ही पहले ही निकल चुके थे वहाँ से। और जम्मू में हमारा एक घर था, 2 कमरे, इट वॉज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। बाद में बाकी फैमिली भी आई, तो 15 लोगों ने 2 कमरों में कैसे वो सारा टाइम बिताया है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और मेरी 2 सिस्टर्स थी, मैं, मेरी कजन सिस्टर्स, हम सब ने पढ़ाई भी इन्हीं 2 कमरों में की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी इन्हीं 2 कमरों में के बीच में पूरी की है। कैंप कॉलेजेस जाते थे हम, जो लोकल लोग थे वो मॉर्निंग की शिफ्ट में पढ़ते थे, क्योंकि बाद में तेज़ धूप होती थी जम्मू में, तो हम लोग जो है एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन, हम लोग दोपहर की धूप में कॉलेज जाते थे, 2 बजे से लेके शाम के 6-7 तक। तो सेकेंड शिफ्ट में हमारा एडमिशन हुआ था कैंप कॉलेजेस में। तो वो टाइम भी एक ऐसा था जो जब जहन में उसको याद करते हैं तो बहुत ही एक रोने का मन करता है। कई बार मैंने देखा है अपनी माँ को, वो घर की छत के ऊपर पे जाती थी और रोती रहती थी। मुझे पता नहीं था, मैं काफ़ी बार उनके पीछे जब देखा, काफ़ी बार जाती हैं तो उनके पीछे पीछे छत पे चली गई, तो एक बार पूछा मैंने कि क्या बात है, तो उनका यही कहना था कि जो भी उन्होंने कमाया है पूरी ज़िंदगी भर वो सारा कश्मीर में रह गया, सब छूट गया, और यहाँ पर हम लोग नए सिरे से एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें ये दुख था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये जब हमने कश्मीर छोड़ा, हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए गए थे उस टाइम पर। एक था चलिव, रलिव या गलिव, ये कश्मीरी में 3 वर्ड्स हैं। जी चलिव मीन्स जस्ट लीव द लैंड, रलिव मीन्स मिक्स विद अस, आप मीन्स बी प्रिपेयर टू फेस डेथ, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम लोगों ने पहला वाला ऑप्शन ले लिया और हम लोग वहाँ से निकल आए। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो है कश्मीर जो है दे आर वेरी यू नो कावर्ड, दे लेफ्ट लाइक दैट। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपके पास कोई बंदूक वाला खड़ा है, कोई आप पे ग्रेनेड फेंकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, तो आप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे? तो ऐसा कहना कि आप कावर्ड हैं, आप भाग गए आए, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। उन स्थितियों में, उस सिचुएशन में जो हम लोग वहाँ से निकल आए हैं, अगर ऐसी सिचुएशन किसी और के सामने होती तो वो भी शायद यही करते जो हमने किया है। हमने वी जस्ट ट्राई टू सेव आवर लाइव्स एंड सेव आवर ऑनर, और हम लोग वहाँ से निकल आए। इट्स ए वेरी यू नो ट्रैजिक, ट्रामेटिक, पेनफुल स्टोरी दैट हैपन्ड। तो जितने भी लोगों को मारा गया उनके साथ तो बहुत ही ज्यादतियाँ हुई, बहुत ही ब्रुटैलिटी से मारा गया। कईयों को आरी पे चढ़ा के मार दिया गया, कईयों को राइस के ड्रम में मारा गया, कईयों को सिगरेट बिट से मारा गया, आई मीन टॉर्चर किया गया। तो काफ़ी सारी जो ये ज्यादतियाँ हैं मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि क्या क्या है हुआ है उस टाइम में। नहीं, वो हम सब इमेजिन कर सकते हैं। और एटलीस्ट अब समय के साथ साथ हर साल जब इस दुख के महीना में, इस दुख की घड़ी में बातचीत होती है तो हमारे सामने फैक्ट्स आते हैं। मैं यहाँ पर आपकी दूसरी किताब फार इन द मैडोस एंड अदर जी पोम्स के हवाले से, शायरी जो होती है, मैं खुद भी शायरी लिखता हूँ, बहुत ही पर्सनल सा मैटर होता है। समटाइम यूं महसूस होता है कि जैसे हम जो कुछ लिख रहे हैं बस सिर्फ अपने लिए लिख रहे हैं, और समटाइम कभी कभी सुनाने को भी जी चाहता है, उसको शेयर करने को भी जी चाहता है। ये इतना पर्सनल, इतना मोमेंटरली मामला होता है कि जो हर लम्हे इसकी कैफियत बदलती रहती है। मैंने इसमें से जो नज़में हैं वो जब पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि पूरा कश्मीर इन नज़मों में जागता है, सांस लेता है, जी जीता है।
हम कुछ और बातें भी करेंगे। मेरी ख्वाहिश हो रही है कि अगर आप मुनासिब समझें तो इसमें से एक या दो नज़में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। जी ज़रूर। ये फार इन द मेडोज जो है, इट वॉज पब्लिश्ड अ ईयर एगो, एंड इसमें से मैं एक ओम पढ़ती हूँ जिसका टाइटल है लाइफ इन एक्साइल। इट्स ऑन पेज 44। लाइफ इन एक्साइल। When innocent got killed, others left beyond the hills to unknown lands, escaping death that chased footprints with nothing, just the empty hands. Helpless pundits became homeless, feet on ground and sky overhead. Horror and fear gripped their minds. Their heart was alive, but soul so dead. Loaded guns kept looking for them, the torment they couldn't withstand, and even in sleep they would weep as they dreamt of their native land. Empty tents to call their new home, at times blew away in wind and cold. Years went on in absolute darkness, many shattering stories never got told. Nothing has changed. Culprits are free. Tears have dried in 30 years. With no return, life in exile goes on. Still, the bitter past haunts and scares. तो ब्यूटीफुल, वाओ जी। ये एक है जो मैं, एक और पोम है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जरूर जरूर जरूर। ये घर को लेके है, लाइक एबंडेंट होम्स, एबंडेंट सॉरी हाउसेस, कि अगर घरों के पास जुबान होती तो वो क्या बोलते, क्या बयां करते, जो हम घर वहां छोड़ के आए हैं, अगर उन्हें जुबान दी जाए तो वो क्या बोलते। The old abandoned houses in Kashmir. Do wonder where did the families go, although it happened long, long ago. If for once houses were allowed to talk, they would share their stories of pain, how much they waited to see us again. If like us, they would hold the memories, they would talk about the happier days when happiness came in numerous ways. They would talk about celebrations in past, the customs, rituals that were followed, but now life inside them had hollowed. Vacant houses testify terror and trauma. They know every bit of bitter truth. Their invisible heart too was hurt in youth. For three decades, they didn't hear laughter. No one peeped through their windows. Their glory was lost like hapless widows. They stand mute, waiting for death. Their broken walls can't hold roof above. They may only live few years from now. Beautiful, beautiful. आपने दो नज़में हमारे साथ शेयर की और इन दोनों नज़मों में वो पूरी की पूरी जो कैफियत है, एक उजड़े हुए दियार की, एक उजड़ी हुई बस्ती की और उजड़े हुए परिवारों की, वो इतनी गहरी है कि मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर इस किताब को भी पढ़ें, फॉर इन द मैटर्स एंड अदर पोम्स। ये दोनों किताबें अमेज़ॉन पे शायद अवेलेबल हैं और भारत में जो रहते हैं वो तो ख़रीद भी सकते हैं शॉप से। बहुत आपने बढ़िया कैफियत इसमें बयान की। आज हमने जो गुफ्तगू की है मीनाक्षी जी, आप क्या समझती हैं कि इसमें क्या इजाफा आप और करना चाहेंगी? मेरी बस यही ख्वाहिश है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एटलीस्ट जो लोग वहाँ से निकले हैं, जो लोग वापस जाना चाहते हैं, जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट आज तक नहीं मिला है, जिनकी कहानी आज तक सुनी नहीं गई है,
उन्हें इंसाफ मिले. सी एवरीबडी वॉज नॉट फॉर्चुनेट लाइक मी हु गॉट एजुकेटेड एंड लेफ्ट द कंट्री एंड केम टू कैनेडा एंड सेटल्ड हियर एंड हैड अ पीसफुल लाइफ. माई हार्ट, माई माइंड, माई सोल स्टिल कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट पीपल दैट आई हैव लेफ्ट बिहाइंड. माई कम्युनिटी दैट स्टिल सफरिंग. I still feel their pain. I can imagine. हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ये बहुत ही करब के लम्हे हमारे साथ शेयर किए. अपनी सारी फीलिंग्स दिल के साथ आपने हमें बताई और हमारे व्यूअर्स को अंदाज़ा हुआ है और होगा जूं जूं ये आपका शो देखेंगे, आपकी बातचीत सुनेंगे, कि ये कितना ही कठिन मरहला था. और वो जो बिपता है वो अभी भी बीती नहीं है. अभी भी वो बरादरी, कश्मीरी हिंदू पंडित बरादरी, जहाँ कहीं भी रहती है, जैसा कि आप कनाडा में रहते हैं, वो दुख आपके साथ चल रहा है. और ये बहुत ही गहरे घाव हैं. बहुत ही आखिर में आज की इस बातचीत में बहुत ही फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ये एक हमारा जो एग्जोडस है, हम यहाँ पे चुप होने वाले नहीं है कि बस हमें निकाला गया. ये एक जंग है, ये एक मुहिम है, ये जारी रहेगी. जब तक हमें जस्टिस सर्व ना हो तब तक हम ऐसे ही हर 19 जनवरी को इस कहानी को दोहराते रहेंगे. और ये जो है हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं. बहुत शुक्रिया मीनाक्षी रायना, आपने बहुत ही अहम बातें की. और आपकी बातें बहुत अहम इसलिए भी हैं कि उसमें लिटरेचर की गहराई, उसमें फ़लसफे की गहराई और फिर ज़िंदगी की गहराई उनमें है. हम चाहेंगे कि हम गाहे बगाहे कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के दुखों के हवाले से आपकी राय लेते रहें. आज का समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू ताहिर साहब. वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने हमें इस शो पे बुलाया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. एंड व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग बिला तकल्लुफ विद ताहिर गोरा एंड मीनाक्षी रायना टुडे. और आपने जो उनकी बातचीत सुनी, उस बातचीत को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि हम सब भारतीयों को और हम सब अमन पसंद साउथ एशियंस को और हम सब अमन पसंद इस धरती पे बसने वाले इंसानों को पंडितों की इस दास्तान को नहीं भूलना चाहिए. और अब भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इंटरनेशनल फोरम पे हम इसको जीनोसाइड के तौर पर तस्लीम करवाएं और इसके साथ साथ जो कल्प्रिट्स हैं उनको इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करें. आज की बातचीत हमारे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.